तो टुडे टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर यूनिट 3। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या है। इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या है, सिस्टम सेट्स क्या है वो देखेंगे, सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होती है, सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें, दोनों का एरिया ऑफ वर्किंग क्या है वो चीजें देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है, मोनोलिथिक सिस्टम क्या होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होती है, एक्सो कर्नल क्या होती है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन आगे के क्लासेस मतलब चीजों में करेंगे। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होती है वो भी देखेंगे। वर्चुअल मशीन वीएमवेयर आप लोग सुने होंगे या वर्चुअल मशीन सुने होंगे, तो वर्चुअल मशीन क्या होती है, कैसे उसको, वर्चुअल मशीन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जब तक सिस्टम रनिंग कर रही होती है तभी तक वो एग्जिस्ट करता है, जैसे ही सिस्टम शटडाउन, वर्चुअल मशीन खत्म। सो उस टाइप से चीजें होती है, एंड समरी ऑफ इस चैप्टर का एंड कीवर्ड्स। तो अभी तक जो देखे थे उसमें कुछ कोई डाउट्स और वो सारी चीजें, ये चैप्टर कंप्लीट होने पे हम लोग ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या क्या है वो सारी चीजें डिफाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, डिफाइन सिस्टम सेल्स क्या है वो कर सकें, एक्सप्लेन सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होती है, इसके साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या क्या है जो कि, और दोनों का वर्किंग ऑफ एरियाज कैसे होते हैं, क्या मतलब हार्डवेयर एक्सेस का, परमिशन का कैसे होती है, वो सारी चीजें देखें। नो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में ही आपको वीएम वर्चुअल मशीन और वो सारी चीजें आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट, इंट्रोडक्शन पहले करते हैं। साक्षी एक बार रीड कीजिएगा इसको। Every general purpose computer must have an operating system to run other programs. Operating system perform basic tasks such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers. तो ये क्या बोला इसमें, बेसिकली जो पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है कि यूजर से इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू, सीपीयू से प्रोसेसिंग करना है, एंड आउटपुट को कहाँ सेंड करना है, डिस्प्ले स्क्रीन पे शेयर करना है। इसको कई तरीके से हम टास्क और प्रोसेस ऐसे नाम से हम जानते हैं कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। कोई टास्क है, प्रोसेस प्रोसेस के अंदर में टास्क होती है, एक प्रोसेस में मल्टीपल टास्क हम दे सकते हैं एंड वैसे वर्किंग करा सकते हैं। ठीक है, शरण्या पहला पैराग्राफ समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिएगा शरण्या। सर फर्स्ट पैराग्राफ फॉर सेकेंड सेकेंड ये बन लार्ज सिस्टम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी and powers. It is like a traffic cop. It makes sure that different programs and users running at the same time do not interfere with each other. The operating system is also responsible for security, ensuring that unauthorized users do not access the system. तो ये सारी चीजें हम लोग पीछे के स्लाइड क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करता है, कैसे करता है। तो इसमें दो तीन चीज पॉइंट का एक्सप्लेन किया, जिसमें सिक्योरिटी का इशू है एंड मल्टीपल यूजर एट ए टाइम काम करे तो उसका डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना करे, डेटा इंडिविजुअली मैनेजमेंट, यही तो। ओके सर,
साक्षी ये वाला पैराग्राफ रीड कीजिए। System calls provide an interface between the process and the operating system. System calls allow user-level processes to request some services from the operating system. This process कंटिन्यू which process itself is not allowed to do. It is because of the critical nature of operations that the operating system itself does them every time they are needed. तो इसमें क्या बोला कि अब मीन्स कोई भी मतलब टास्क या प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन नहीं करता है जब तक न कि सिस्टम अलाउ करे। सो जस्ट लाइक अगर हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और डायरेक्टली अगर हम रन करना चाहें तो वो परमिशन मांगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं तो अगर नहीं देगा तो उसको कोई रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी, ना ही मेमोरी होगी, ना ही रैम होगा मतलब वो सीपीयू होगा, ना ही शेड्यूलर में वो जाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली ये भी काम है कि वो मेंटेन करेगा सिक्योरिटी और वो सारी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट प्रोसेस इन्वॉल्व अ सिस्टम कॉल टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीड और राइट पर्टिकुलर एरिया एंड दिस रिक्वेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ करेगा कि उसको रीड राइट का परमिशन देना है नहीं देना है, क्या उसका सिचुएशन है, वो सारी चीज। ठीक है सरन्या रीड कीजिएगा इसको। The fact that in the fa fact that improper use of the system can easily cause a system crash, thus the operating system is introduced. It executes at the highest level of order and allows the application to request for a service or system call, which is implemented through hooking interrupts. A system call is the mechanism used by an application program to request service from the operating system. There are different types of system call. तो इसमें समझ में आया कुछ? Yes, sir. साक्षी? No, sir. तो यहाँ पे क्या क्या बोला कि बेसिकली अगर इम्प्रोपर वे में अगर यूज होता है तो सिस्टम क्रैश करने का ज्यादा चांस होगा। मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं और उसको जबरदस्ती वो उसको रन कराने की कोशिश करेंगे और रन नहीं करेगा तो क्या होगा, सिस्टम क्रैश मतलब कि परमिशन मांगने जाएगा, आप डिनाई कर दोगे, वो नहीं चलाएगा। तो उस पहले होता था लेकिन अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो ये सारी चीजें हाई लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर में मैनेज होने लगा कि कोई रिक्वेस्ट आया, एडमिन को रिक्वेस्ट देना है कि उसको परमिशन देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो अलाउ और डिसअलाउ करने का उसको एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन टू द रिक्वेस्ट फॉर ए सिस्टम सर्विसेज सिस्टम कॉल विच इम्प्लीमेंट थ्रू हुकिंग इंटरप्ट सिस्टम कॉल इज द मैकेनिज्म यूज बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हम एक्सेस करना चाहते हैं ये रिसोर्सेज, ये सीपीयू टाइम चाहिए और ये रिसोर्सेज चाहिए, वो सारी चाहिए। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, क्या क्या सिस्टम कॉल्स होती है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जस्ट लाइक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हमको चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के लिए चाहिए होता है जैसे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए फाइल सेव करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, किसी फोल्डर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कराना, ये सारी फाइल सिस्टम है। कम्युनिकेशन
थ्रू मैसेजिंग होती है, एक एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन को मैसेजिंग के थ्रू हम कॉल करते हैं, मतलब हम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। एरर डिटेक्शन, अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है वो मतलब अगर मान लो कि सी प्रोग्राम है, डिवाइड बाई जीरो ये एक्सेप्शन आया, तो वो कैसे जानेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चीजों का हैंडल करेगा, तो वो लॉक करेगा। सो कभी भी आपको वो अगर होता है तो एक मिनट में पूरा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, फुल स्क्रीन यस सर, दिख रहा है। यस सर, स्टार्ट मेनू हम ऑन किए हैं, दिखा? यस सर, तो इसमें आता है एक लॉग, लॉग जहां पे हर एप्लीकेशन जो रन कर रहा है वो क्या एरर दिया, क्या मतलब वो हुआ, एवरीथिंग, हर स्टेज में वो क्या क्या एक्टिविटी किया, मतलब सारी चीजें तो नहीं, लेकिन अगर हाँ एरर होती है, सिस्टम मतलब स्टॉप हो जाती है, या फिर कनेक्शन एरर होता है, कुछ भी हो, वो सारी चीजें लॉग होती है। तो एरर डिटेक्शन का काम किसका है? सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का। अलग अलग ये सर्विसेज हैं, ये सारे सर्विसेज हम लोग ये वन बाई वन करके देखेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सीपीयू का टाइमिंग और वो मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आई। साक्षी रीड कीजिएगा पहला पैराग्राफ। द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू अलाउ द यूजर टू एक्सिक्यूट प्रोग्राम्स। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर कैन कन्वीनियंटली रन प्रोग्राम्स। द यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द मेमोरी एलोकेशन और मल्टी टास्किंग और एनीथिंग। दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया ये? ठीक, यस सर, सरन्या सेकंड पैराग्राफ। रनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द एलोकेटिंग एंड डीलोकेटिंग मेमोरी, सीपीयू स्केलिंग इन केस ऑफ मल्टीप्रोसेस। दीज फंक्शंस कैन नॉट बी गिवन टू द यूजर लेवल प्रोग्राम्स। सो यूजर लेवल प्रोग्राम्स कैन नॉट हेल्प द यूजर टू रन प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें क्या है कि सीपीयू का टाइम एलोकेशन, मेमोरी एलोकेटिंग, डी एलोकेटिंग करने का, फिर सीपीयू को कितना टाइम देना है, किस लेवल का परमिशन देना है किसी भी प्रोग्राम को, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन देखिए, तो यूजर लेवल प्रोग्राम मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर लेवल प्रोग्राम मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, कैन नॉट हेल्प द यूजर टू रन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वो परमिशन देगा तो कोई भी एप्लीकेशन मतलब यूजर प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, सो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि यूजर प्रोग्राम क्या होता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम। हेलो, हेलो यस सर, साक्षी, स्क्रीन दिख रहे हैं ना? साक्षी यस सर, दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाली चीजें समझ में आई? सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाली चीजें क्लियर हुई? हेलो,
यस सर क्लियर है. ओके सो नेक्स्ट मूव करते यस हैं सर. इनपुट यस सर आउटपुट क्लियर है. ऑपरेशन. तो इसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट के लिए जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि कीबोर्ड से इनपुट लेना है, आउटपुट कहाँ दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है या प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो डिस्प्ले स्क्रीन ये सारी एक्टिविटी किसके थ्रू होगी? थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी के थ्रू. तो सर ने ऑपरेटिंग एक बार सिस्टम रीड के. कीजिएगा ये पैराग्राफ. ईच प्रोग्राम रिक्वायर्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इनपुट आउटपुट. द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द यूजर्स यूजर द डिटेल्स ऑफ underlying hardware for the input output. All the user sees is that the input output has been performed without any details. So the operating system, by providing input output, makes it convenient for the users to run programs. तो ये जो चीजें इसमें आया, एक कीवर्ड लिख लीजिएगा, अब्स्ट्रैक्शन एंड इन ये इनकैप्सुलेशन. ये दो वर्ड लिख लीजिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको आगे आएगा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी फंक्शनैलिटी इनपुट आउटपुट के लिए हम करते हैं या फिर जो भी चीजें करते हैं, तो इसमें हम ये नहीं देख पाते कि कहाँ से क्या प्रोसेस हो रहा है, बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. हमें सिर्फ ये होता है कि हमको इनपुट देना है और हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा. इन बिटवीन में क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये हम नहीं देखते हैं. तो क्या करता है ये, यही बोल रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द यूजर्स द डिटेल ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर फॉर द इनपुट आउटपुट. All the user is that the input output has been performed without any details. कि कैसे परफॉर्म हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यूजर को, बट आउटपुट देखेगा वो है सर. इनपुट देगा आउटपुट मिलेगा वो चीज. फॉर इफिशियंटली एंड प्रोटेक्शन यूजर कैन नॉट कंट्रोल इनपुट आउटपुट सो दैट दिस सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई द यूजर लेवल प्रोग्राम. सो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कौन करता है? ऑलवेज मैनेज बाई ऑपरेटिंग सिस्टम. यूजर लेवल मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम कभी करता ही नहीं डायरेक्टली. ठीक है, ये समझ में आया? यस सर. दोनों कीवर्ड लिख लिए, यस सर इट्स क्लियर. अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. चलो नेक्स्ट आते हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में. तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या है? साक्षी रीड कीजिएगा ये. अच्छी रीड कीजिएगा. The output of a program may need to be written into new files or input taken from some files. The operating system provides this service. The user does not have to worry about secondary storage management. User give a command for reading or writing to a file and sees his her task accomplished. Thus, operating system make it easier for user programs to accomplish their task. नेक्स्ट The service involves secondary storage management. The speed of input output that depends on our secondary storage management is critical to the speed of many programs, and hence I think it is best delegated to the operating systems to manage it than giving individual users the control of it. It is not difficult for the user level programs to provide these services, but for above mentioned reasons, it is best if the service is left with operating systems. ठीक है. तो इसमें क्या बोला,
समझ में आया या फिर बाउंस किया? नहीं, सिस्टम प्रोवाइड्स अच्छी, सर्विसेज, यस सर. सर, ऑपरेटिंग समझ में आ सिस्टम गया। प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट मैनिपुलेशन, मतलब कि हम फाइल में लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब सारे कुछ फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. तो इसमें ये क्यों बोला कि यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन? यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड यूजर को बैकएंड इजीली प्रोवाइड नहीं करता कि कैसे वर्क किया, फाइल यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हुई, कैसे डिलीट हुआ. सिर्फ उसको आउटपुट से मतलब होता है कि आप कैसे नहीं आपने जो मैनिपुलेट किया, क्या वो विजिबल है. नहीं नहीं आप गलत डायरेक्शन में चले गए। एक्चुअल में ये बोला कि एक्चुअल में सीपीयू की स्पीड सबसे हाई होती है, ठीक है, रीड करने की, राइट करने की, जो भी प्रोसेसिंग करने की सबसे हाई होती है। उसके बाद किसकी स्पीड होती है? L1, L2, कैशिंग, L3 की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रैम की। राम की, उसके बाद क्या होता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क की, ठीक है। अब जो SSD आया है वो इक्विवेलेंट टू रैम और CPU बोल सकते हैं, उसकी स्पीड CPU के बराबर है लगभग। तो डायरेक्टली वो रैम का काम करती है, अभी जो SSD नहीं आई है, ठीक है। अदरवाइज आप पहले क्या होता है, CPU रिक्वेस्ट करता है किसको? लोडर को, कि ये फाइल लोड करो। तो लोड कहाँ से करेगा? वो रिक्वेस्ट जाएगा हार्ड डिस्क के पास, हार्ड डिस्क उस फाइल को ढूंढेगा, उस फाइल को निकालेगा, फिर वो लोडर कहाँ पे लाएगा? रैम में लाएगा। रैम से तब प्रोसेसर वो हैंडल करेगा, जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करेगा, फिर वो रिलीज कर देगा कि हो गया इसका काम, इसको जाके रखा। तो लोडर का काम फिर उस फाइल को उस लोकेशन पे जाके रख देगा, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब कि L1, L2, रैम, हार्ड डिस्क, एंड इसके आगे अगर जाइएगा तो आपको हार्ड डिस्क सबसे लो स्लो है। तो ये सारी एक्टिविटी करने में, इतने लेवल में मैनेज करने के लिए आपको यूजर को कोई वरी नहीं करना है कि हाँ हम कहाँ पे फाइल सेव कर रहे हैं, एक्सटर्नल में कर रहे हैं, इंटरनल में कर रहे हैं, वो चीज़ सेकेंडरी स्टोरेज में कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस में कर रहे हैं, नेटवर्क पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है, ठीक है। सो कभी कभी आप ये देखते होंगे, अगर किए हो तो नो आइडिया अबाउट, कि आप नेटवर्क में जब भी फाइल शेयर करते हैं, साक्षी आवाज आ रही है? हेलो साक्षी। यस सर, आ रही है. यस सर, तो जब नॉर्मल सिस्टम में हम फाइल सेव करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो वो इजीली एंड क्विकली होता है, लेस टाइमिंग, रैदर देन अगर अगर वो हम नेटवर्क में यस अगर सर, करते हैं तो वो टाइम टेकन होता है। क्यों टाइम टेकन होता है? कैन यू गेस? सर कभी आप क्वेश्चन फिर ऐसा से रिपीट किए, करिए. जैसे हम लोकल में, लोकल सिस्टम में फाइल सेव करना या अपडेट करना या रीड करना, डिलीट करना, कुछ भी करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत क्विक होता है। लेकिन वही अगर नेटवर्क एरिया में, नेटवर्क इन द लैन में, या फिर कोई दूसरे नेटवर्क एरिया में है, आपका सिस्टम कनेक्टेड है, तो उसमें फाइल एक्सचेंज करने में आपको टाइम यस सर, लगता है। क्यों? अगर नेटवर्क एरिया का कंसेप्ट सर मे क्लियर बी ड्यू नहीं टू है डेडलॉक टू डेडलॉक. तो आप कभी अपने मोबाइल को डेस्कटॉप लैपटॉप से कनेक्ट करके उसमें फाइल डालना या वहां से फाइल निकालना, वो करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रैदर देन आप हार्ड डिस्क से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। साक्षी आप जवाब दे रहे थे।
बताइए सर, सर क्यों होता है? मुझे लगता है डेडलॉक की वजह से, तो नहीं, नेटवर्क के थ्रू आपको मे भी हो फाइल सकता है ट्रांजेक्शन डिफरेंट ट्रांसफर यूजर्स करने सेम में टाइम लगता रिसोर्सेस वो है। भी एक्सचेंज करना चाहते हो इसलिए। एक तो है कि जिस नेटवर्क पे हम भेजना चाहते हैं वहां का प्रोसेसर खाली है या नहीं है, नहीं खाली है तो वो क्यू में करेगा, टास्क को क्यू में करेगा कि फाइल ट्रांसफर होना है तो क्यू में करेगा। फिर जैसे ही वो उसका टाइम स्लाइसिंग में नंबर आएगा तब वो प्रोसेस करेगा। तब वो एक चीज तो वो भी है, दूसरी चीज एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगता है, तो वो डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में हो या नॉर्मल वे में हो टाइम तो टाइम लगेगा, तो सर कुछ मिली सेकेंड आपकी माइक्रो वॉइस सेकेंड। बिल्कुल भी सही नहीं है। यस हेलो, सर, अभी सही है? यस सर, अब सही है। बोल रहे हैं कि नेटवर्क में, ओवर द नेटवर्क आप फाइल ट्रांसफर करोगे तो उसमें टाइम लगता है। एक तो है कि नेटवर्क सिस्टम में सीपीयू खाली, मतलब ब्लैंक है, मतलब खाली है, उसके पास जॉब यस नहीं सर, है तो वो इजीली तुरंत कर देगा। लेकिन अगर वो उसके पास ऑलरेडी जॉब है, वो कर रहा है, टास्क कर रहा है, तो वो क्यू मिलेगा, एंड क्यू मिलेगा तो वो टाइम लेगा। जैसे ही उसका टाइम आएगा प्रोसेस करने का तब वो प्रोसेस करेगा। एंड नेटवर्क में, ओवर द नेटवर्क हमेशा पैकेट के रूप में डेटा ट्रांसफर होता है। एक बंच ऑफ पैकेट, मतलब बोल सकते हो कि 10 KB का एक पैकेट, 5 KB का एक पैकेट, ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो टाइम लेता है। पैकेट वाली सीन आपको नेटवर्किंग में आएगी आगे के मतलब जो सिलेबस है उसमें। तो ओवर द नेटवर्क हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या मतलब वो मेथोलॉजी अपनाते हैं जो डेटा ट्रांसफर होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगर यहाँ क्लियर हुआ तो। कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। शरण्या रीड कीजिएगा इसको, नहीं है। देर आर इंस्टेंसेस वेयर प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इट मे बी बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर और रनिंग ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर्स। बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीव्स द यूजर ऑफ द वरी ऑफ पासिंग मैसेजेस बिटवीन प्रोसेसेस। इन केस वेयर द मैसेजेस need to be passed to processes on the other computer through a network, it can be done by the user programs. The user program may be customized to the specifics of the hardware through which the message transits and provides the service interface to the operating system. समझ में आया कुछ? नो सर, जो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं कि मुझे तो अगर कुछ एक चेंज एक प्रोसेसर से नहीं दूसरे प्रोसेसर में अगर कम्युनिकेट करना है हुआ। तो मैसेजिंग के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला, देयर आर इंस्टेंस वेयर प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट, प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट विथ अदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज के थ्रू वो करते हैं। इट मे बी बिटवीन प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर और रनिंग ऑन अ नेटवर्क कंप्यूटर या डिफरेंट कंप्यूटर कंप्यूटर। सो उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक प्रोसेस सिस्टम से दूसरे प्रोसेस सिस्टम में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। बाई प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिलीव द यूजर ऑफ द वरी ऑफ पासिंग मैसेज बिटवीन प्रोसेसेस इन केस वेयर द मैसेज नीड टू बी पास टू द प्रोसेस ऑन द अदर कंप्यूटर थ्रू आर नेटवर्क। इट कैन बी डन बाई द यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि हाँ हमें ये डेटा चाहिए। उसके अलावा दूसरे प्रोसेस से हम डेटा ले सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं।
जस्ट लाइक सी में साक्षी अगर रिमाइंड हो कि हम लोग इनिशियल में एक एक्सटर्नल फाइल पे हम लोग काम किए थे जिसमें हम मेन यस फाइल में सर, याद कुछ फंक्शन किए थे एंड एक्सटर्नल फाइल से उसको इनपुट लिए थे। सो इसका ये नहीं मतलब कि हम डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस किए, हमने एक मैसेजिंग किया कि उस फाइल में से ये फंक्शनैलिटी हमको चाहिए, तो वो फंक्शनैलिटी का रिस्पॉन्स हमको मिला एंड हम उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्रू मैसेज कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है जिसके कारण से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को हेल्प आउट कर पाती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाती है एंड चीजें कर मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। सो एरर डिटेक्शन क्या होती है, जब एक प्रोसेस में कोई प्रोसेस चल रहा है या कोई टास्क चल रहा है उसमें मेमोरी शॉर्ट हो जाए या आउट ऑफ मेमोरी हो जाए या फिर कोई कंडीशन हो जैसे डिवाइड बाई जीरो हो या फिर ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए जो प्रोग्रामर हैंडल नहीं किया हो, तो उस कंडीशन में क्या है एरर डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इस एरर को लॉग करता है। ठीक है, वो कहाँ पे लॉग करता है हम आपको दिखाएंगे, अभी हम ध्यान से उतरा हुआ है। एक टर्मिनल वो होता है, वहां से आप सारे प्रोग्राम के बेसिस पे आप देख पाते हैं। तो एक बार साक्षी रीड कीजिएगा इसको। An error is one part of the system may cause malfunctioning of the computer system. To avoid such a situation, the operating system constantly monitors the system for detecting the errors. This relieves the user of the worry of errors propagating to various parts of the system and causing malfunctioning. This service cannot be allowed to be handled by user program because it involves monitoring and in case altering area of memory or deallocation of memory for a faulty process or maybe relinquishing the CPU of a process that goes into an infinite loop. These tasks are too critical to hand it over to the user programs. A user program, if given these privileges, can interfere with the correct normal operation of the operating system. So, समझ में आया कुछ या नहीं शरण्या? यस सर, समझ में आया कुछ? सिचुएशन नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ यस है सर, एन एरर इज अ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम मे बी कॉज वरी ऑफ मैलफंक्शनिंग, मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, जो कि पूरे सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होगा, वो हार्डवेयर फॉल्ट हो, सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो, नेटवर्क फॉल्ट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज लॉग्ड, लॉग्ड बाय किससे, एरर डिटेक्शन से। टू अवॉइड सच सिचुएशन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स, जितने भी एरर होंगे टेकिंग सिस्टम एरर्स हैंग होगा, लैक ऑफ मेमोरी होगी, कोई बग होगा प्रोग्राम में, प्रोग्राम क्रैश होगा, वो सारी चीजें लॉग करेगा, मॉनिटरिंग करते रहेगा एंड वो लॉग करता रहेगा। दिस रिलीव द यूजर ऑफ द वरी ऑफ एरर प्रोपोगेटिंग टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड कॉजिंग मल फंक्शनिंग। ठीक है, सो वो यूजर को इतना रिलीफ देता है कि आप लॉग एवरी फंक्शन में लॉग मत लगाओ, हम आपको लॉग देंगे एंड कहाँ पे क्या एरर आ रहा है वो सारी चीजें हम बताएंगे। वही चीज, द सर्विस कैन नॉट अलाउ टू बी हैंडल बाय यूजर प्रोग्राम, ये यूजर प्रोग्राम डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है, वो क्या करता है बिकॉज इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड इन केस अल्टरिंग एरिया ऑफ मेमोरी ऑफ डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी और फॉल्टी प्रोसेस, अगर प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है और मेमोरी एलोकेट करके चला गया है तो उसको डीएलोकेट करेगा और मे बी रिक्वायर्ड सीपीयू टू प्रोसेस दैट गोज टू इनफाइनाइट लूप, अगर कोई प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में है तो उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे ताकि उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो सब कैसे खत्म हो। ठीक
Tasks are too critical to hand over to the user program. A user program, if given privilege, can be interrupted. The correct and operation of the operating system. So privilege दे भी देते हैं तो भी वो operating system ही handle करेगा. So आज के लिए इतना ही, कल हम लोग system calls पे देखेंगे.